नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की बारी है। झारखंड में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में हलचलें तेज हो चुकी हैं। दोनों गठबंधन में भले ही सीट शेयरिंग नहीं हुआ हो, लेकिन रणनीति और समीकरण बनाए जा रहे हैं। वोटों के गणित पर जोर तोड़ भी हो रही है। चुनाव की जंग का मैदान सज चुका है, पक्ष विपक्ष तैयार है। एनडीए और यूपीए में आर पार की लड़ाई है। बीजेपी और आजसू एनडीए गठबंधन में होंगे, वहीं यूपीए में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद मुख्य घटक होंगे। तो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड विकास मोर्चा अकेले मैदान में होगा। ऐसे में झारखंड विकास मोर्चा एनडीए यूपीए की लड़ाई के बीच से कोण बनाने की कोशिश करेगा। बाबूलाल को एनडीए और यूपीए के बाकियों पर भरोसा है। ऐसे हालत में बीजेपी से पत्ता कटने वाले और यूपीए से बिद के नेताओं का कुनबा बाबूलाल जुटाएंगे। एक और एनडीए को रघुवर दास के 5 साल के काम पर भरोसा है और एनडीए अपनी उपलब्धियों के साथ लोगों के बीच जाएगा। वहीं यूपीए ने हेमंत सोरेन को आगे किया है और विधानसभा चुनाव में हेमंत यूपीए का चेहरा होंगे। खास बात यह है कि विधानसभा में 28 ST सीटें हैं। एनडीए यूपीए दोनों की नजर इन सीटों पर होंगी। आदिवासी सीटों को लेकर एनडीए ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की घेराबंदी तोड़ने के लिए रणनीति बनाई है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए किए गए काम का जोर शोर से प्रचार होगा। वहीं यूपीए स्थानीयता, रोजगार और जमीन के मुद्दे के भरोसे आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। वहीं संथाल परगना की 18 सीटों पर लड़ाई रोचक होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगातार संथाल परगना को फोकस किया है, जबकि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना गढ़ रहा है। इसलिए बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा को संथाल परगना में शिकस्त देने के लिए रणनीति बना रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी जमीनी पकड़ और नेता शिबू सोरेन के इकबाल पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। बात चाहे एनडीए की हो या फिर यूपीए खेमे की, लेकिन इन सब के बीच क्या बाबूलाल बागियों के भरोसे हैं? क्या इस चुनाव में बागी ही जेवीएम का बेड़ा पार लगाएंगे? यूपीए में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद घटक दल, जेवीएम की चुनाव में एकला चलो की नीति। क्या बाबूलाल को एनडीए और यूपीए के बागियों पर भरोसा? इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अब त्योहार के बाद राज्य में चुनावी हलचल नजर आ रही है। हमारे सहयोगी विपिन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। अब विपिन, अब राज्य में चुनावी हलचल कैसी नजर आ रही है? त्योहार सारे बीत चुके हैं, त्योहार के बीच में चुनाव की तारीखों की घोषणा और एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही घटक दलों में अब तक सहमति नहीं बन पाना, उस बीच में आज चुनावी हलचल क्या है? जी देखिए, चुनाव के लिए नोटिफिकेशन हो चुका है। 30 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है और 6 तारीख को इस पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और इस बीच लगातार पर्व त्यौहार से निपटने के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कवायद तेज कर दी है। आज जमशेदपुर से वापस रांची लौटते ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा कार्यालय में संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई मसलों पर गुफ्तगू की। इसके अलावा अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जो हैं वो दिल्ली शिफ्ट कर चुके हैं टिकट की दावेदारी को लेकर। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी सीट को बचाने की जुगाड़ में जुट गए हैं, जो कि गठबंधन के तहत तो अगर जेएमएम या किसी अन्य दल के खाते में जा रहा है। तो अगर बात सबसे पहले एनडीए फोल्डर की करते हैं, तो पिछला चुनाव जब वर्ष 2014 में हुआ था तो आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और इन दोनों दलों को मिला एक स्पष्ट बहुमत राज्य में आया था। हालांकि उसके बाद 6 विधायक जो
जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने फरवरी 2015 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसके साथ बीजेपी के पास अपने बल पर पूर्ण बहुमत हो गई थी। बीजेपी के विधायकों की संख्या 43 हो गई। इस बार अब तक जो है एनडीए के तरफ से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आसू ने भाजपा को 26 सीटों का लिस्ट सौंप रखा है, जिसमें वो अपनी दावेदारी जता रही है आसू पार्टी। वहीं बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो लक्ष्मण गिलुवा हैं, उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही एक बयान दिया था, जिसमें उनका कहना था कि 2014 में जो गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के तहत जितनी सीटें आसू पार्टी को गई थी, उतने ही सीटों पर इस बार भी तालमेल होगा। लेकिन आसू के नेता लगातार इस बात को लेकर उनका जो बयान आ रहा है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आसू जो है अब इतने कम सीटों पर, यानी कि आठ सीटें जो आसू को मिली थी 2014 के विधानसभा चुनाव में, उतने में पार्टी सहमत होने वाली नहीं है। और जिस तरह से अभी सूचना आई कि बसपा के जो विधायक थे, जिनको कि पार्टी ने निष्कासित कर दिया था हुसैनाबाद निर्वाचन क्षेत्र से, उन्होंने चुनाव जीता था, वो कल आसू की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो इधर एनडीए फोल्डर में भी हर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बीजेपी जरूर आश्वस्त है कि गठबंधन जो है सही समय पर घोषित हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आसू की तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, वो साफ तौर पर संकेत करता है कि इतनी आसान अभी एनडीए में सीट बंटवारी या गठबंधन की स्थिति नहीं है। वहीं अगर विपक्ष की बात करते हैं तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह जब रांची आए थे छठ के वक्त, तो उन्होंने हेमंत सोरेन से बातचीत की थी। कल हेमंत सोरेन ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से भी रिम्स में मुलाकात की, और जिस तरह से हेमंत ने संकेत दिए हैं कि लालू यादव भी पक्षधर है कि गठबंधन बनाकर बीजेपी के खिलाफ झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, तो ऐसे में दो चार दिनों का वक्त है वो काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि हर गठबंधन चाहे वो दल जो अकेले चुनाव लड़ना चाहता है, वो इस फिराक में जरूर होगा कि पहले चरण में जिन 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं 30 नवंबर को, उसके लिए कम से कम अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा सही समय पर कर दी जाए, ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है उसको निपटाने में उन उम्मीदवारों को आसानी हो। और जहां तक बात की जाए झारखंड विकास मोर्चा की, तो बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से कहा है कि वो अब अंतरात्मा की आवाज में खुद को महागठबंधन से अलग कर रहे हैं और जनता के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक जो बड़ा स्वरूप तैयार हुआ था लोकसभा में महागठबंधन का, उसके लिए जरूर झटका है। हालांकि हेमंत सोरेन की बात करें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की बात करें, दोनों नेताओं का कहना है कि बातचीत अभी चल रही है, कुछ अंतिम नहीं हुआ है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने अगर सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया है, तो उसके साफ मतलब है कि बाबूलाल अब अकेले चुनाव इस विधानसभा का जो है वो लड़ना चाहते हैं। जी आसिया, तो ऐसे में महागठबंधन को क्या नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं विपिन, अगर बाबूलाल मरांडी अलग चुनाव लड़ते हैं और जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होता है, माले भी है जो माले को भी अब ज्यादा सीट चाहिए, कैसे ये पूरा महागठबंधन स्वरूप लेगा, और अगर इसमें से कोई दल अलग होते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है ऐसे में? जी देखिए, जाहिर सी बात है, अगर विपक्षी एकता को आधार बनाकर वोट बंटने पर अगर हम गौर करते हैं, तो लोकसभा चुनाव इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि विपक्ष एकजुट था, मगर 14 में से 12 सीटें एनडीए ने यहां पर जीत लिया था। और अगर 2014 के गठबंधन की बात करते हैं, तो अंतिम समय में कांग्रेस का गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा से टूटा था और कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ यहां पर अलायंस कर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 6 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। राजद का सूपड़ा साफ हो गया था, एक भी विधायक नहीं जीत पाया था। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर जब वोट कटे, जो ओपोजिशन माइंडेड पार्टी में जो दल हैं और जो उनके समर्थक होते हैं, वो जब वोट कास्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर एकजुट विपक्ष नहीं रहा तो वोट जो है वो बटेगा और इसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर उस परिस्थिति में जो अभी एनडीए है झारखंड में, जिसकी की सरकार बीते 5 वर्षों तक चली और पहली बार राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो अगर सत्ता पक्ष का यानी एनडीए भी अगर बिखरता है, तब मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा झारखंड के विधानसभा का। क्योंकि अगर गठबंधन की बात करें, तो आसिया 2009 में कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और सबसे बड़े गठबंधन दल के रूप में कांग्रेस अलायंस उभर कर आई थी। 25 सीटों पर कांग्रेस जेवीएम को जीत हासिल हुई थी, वहीं 18 सीटें जेएमएम और बीजेपी के खाते में गई थी। पिछले चुनाव का नतीजा सबके सामने है। और एक बात और सबसे बड़ी जो झारखंड अलग राज्य होने के बाद विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली है, कि चाहे बात 2005 की करें, 2009
की करें या 2014 की करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें लगातार बढ़ी है। 2005 में 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने में सफल हुई थी, 2009 में 18 सीटें, और वही 2014 में सीटों की संख्या 19 हो गई थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक अपना वोट बैंक है, वो ये बीते 3 विधानसभा के चुनाव के रिकॉर्ड को अगर देखें तो ये बताता है कि परिस्थितियाँ जो भी रही है अब तक झारखंड की राजनीति में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जेएमएम के साथ इंटैक्ट रहा है विधानसभा के चुनाव में। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है, बीजेपी काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। चुनाव की घोषणा से काफ़ी पहले बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत विधानसभा चुनाव के लिए झोंक रखी थी। हालांकि हेमंत सोरेन ने भी पूरे राज्य की यात्रा की, कांग्रेस ने भी 5 प्रमंडल में रैलियां की, बाबूलाल मरांडी एक वैसे नेता के रूप में उनको झारखंड में जाना जाता है कि वो लगातार सक्रिय रहे हैं अपने पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, और लगातार पूरे राज्य में उनका दौरा होता रहा। और जिस तरह से हाल में बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी थी उसने भी बाबूलाल को उत्साहित किया है। लेकिन अगर 2014 से 2019 के सफर पर आकलन करते हैं तो 2014 में जेवीएम के सिंबल पर 8 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन उन 8 विधायक में से 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने चुनाव के वक्त पाला बदला था, जिनको की टिकट जिस दल में वो थे उस वक्त नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और ठीक चुनाव के 1.5 महीने के बाद उन लोगों ने दल बदल किया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो ये इतिहास पहले भी रहा है, और इस बार जो दावा बाबूलाल मरांडी की तरफ से किए जा रहे हैं कि पार्टी अकेले अपने दम पर 81 विधानसभा का चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को उम्मीद वैसे नेताओं पर भी है जिनका कि टिकट कटेगा, चाहे वो सिटिंग एमएलए की बात करें। चलिए विपिन समझेंगे विपिन इससे और विस्तार से। फिलहाल हमारे